हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारे नू। थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है अज की क्लास। अज आप करन जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की पंजाबी की किताब पहली भाषा ते उहदा पहला पार्ट जो कि कविता है गए मेरा हिंदुस्तान। तो चलो इस कविता नू पढ़ते हैं ते समझते हैं की कहा गया है। मेरा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, सब देसां परदेसां दे विच उच्ची इस दी शान, उच्चे पर्वत बर्फां लदे खड़े जून बन के ढाणी, इस दे चश्मिया विचों फुटदा चांदी रंगा पानी, इस दिया नदियां इस दे जंगल हरे परे मैदान। मेरा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, इस दी मिट्टी विच उगदे ने मोतियां वर्गे दाने, ये मिट्टी ता मां हुंदी है आखण लोक सियाने। ते इत्थे दस्या गया है भी मेरा देश जेड़ा है, मेरा हिंदुस्तान बहुत प्यारा हिंदुस्तान है। पूरे विश्व दे विच देश प्रदेश दे जेड़े जिन्ने भी देश हैगे ने, इस देश दी शान सब तो निराली सब तो उच्ची हैगी है। इस देश दे विच उच्चे उच्चे पर्वत यानी कि पहाड़ हैगे ने जो कि बर्फा नाल लदे हुए ने भरे हुए ने, ते एदां खड़े ने जिवें कि ढाणी यानी कि एक दृढ़ रिश्ते नाल खड़े हुए ने, जिवें सानू बचा रहे ने किसी चीज़ दे नाल। ते नाल दी नाल इस ते चश्मिया विचों फुटदी, चश्मिया कहने का मतलब पानी दे जिहड़े झरने हैगे ने उहनां विचों चांदी रंगा पानी निकलता है, मतलब बहुत सोहना सोहना जिहड़ा पानी है चांदी दे रंग दा वो निकलता है इस दे विचों। ते इस दियां नदियां इस दे जंगल जिहड़े ने हरे भरे मैदान हैगे ने सब कुछ। ते फिर सिफत कीती गई है मेरा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ते इस दी मिट्टी दे विच जिहड़ी चीजां उगदियां ने वो हैगे ने मोतियां वर्गे दाने, मतलब बहुत सोहने दाने ने जो मोतियां वर्गे रखते ने। ते एहे मिट्टी ता मां हुंदी है, सारे इस नू मां मिट्टी नू मां कहंदे ने, जिहड़े सियाने लोग ने खासकर वो मिट्टी नू की कहंदे ने मां कह के आखदे ने, भी धरती मां हैगी है। अगे इस मिट्टी नू सीस निभाइए ये मिट्टी वरदान, मेरा हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। ते इत्थे दस्या गया है भी इस मिट्टी नू आपां सीस यानी सिर जिहड़ा झुकाइए, क्योंकि ये जिहड़ी मिट्टी हैगी है ये एक वरदान है, एक सानू आपां कह सकते हैं अवार्ड हैगा है। ते फिर सिफत करदे ने भी मेरा हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। एक बाग विच असी हाँ उगे बूटे कई तरह दे, पर आपस विच खुले मिले हाँ पानी जिवें सरां दे, हर एक नवी सवेर वड्डी है फुल्लां जही मुस्कान, मेरा हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। ते इत्थे ये दस्या गया है कि असी जिहड़े हैगे ने वक् वक् तरीके दे जिहड़े लोग हैगे ने जो हिंदुस्तान दे विच रहिंदे आ, इदां लगदा है वी बाग दे विच असी अलग अलग तरीके दे फुल हैगे ने, अलग अलग तरीके दे बूटे हैगे ने जिहड़े इकट्ठे रह रहे ने, आपस दे विच आपां घुल मिल के रह रहे आ पानी जिवें सरां दे, मतलब सारी सरां मतलब सरोवर दा जिवें पानी हुंदा एक दूजे दे विच पानी दियां लहरां रल जांदियां ने ना, उवें ही असी उस धरती बाग दे बूटे हैगे आ जिहड़े इक दूजे दे विच रले होए आ। हर एक नवी सवेर वंडीए फुल्लां जिही मुस्कान, ते जद भी सवेर हुंदी आ आपां खुशहाली वंडदे आ, जिवें फुल खुशहाली वंडदे आ उही आपां भी वंडदे आ। फिर सिफत कीती जा रही है मेरा हिंदुस्तान यानी मेरा प्यारा हिंदुस्तान। अगे चलदे आ अगले स्टैंजा दे विच केहड़ी गल कीती गई है हिंदुस्तान दी ओह पढ़दे आ। ऋषियां मुनियां गुरुआं पीरां इस दी शान वधाई, इस दे जोधियां ने जांगो ते अपनी ताक जमाई, इथों दी विद्या नू वीरो मानदा कुल जहान, मेरा हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान, इस दे हाली इस दे पाली कामे ते मजदूर, हक सच दी करन कमाई रहन कूट तो दूर, इस दा हर एक गबरू बांका हर मुटियार रकान, मेरा हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। ते इत्थे दस्या गया है भी जिहड़े ऋषि मुनि हैगे ने, जिहड़े पढ़े लिखे लोग हैगे ने, गुरु पीर हैगे ने, वो सारे लोग इस दी शान वधांदे ने, है ना, एक वडियाई करदे ना आपां वी, ये गुरुआं पीरां दा देश हैगा। ते इस दे जिहड़े योधे हैगे ने, योधे कहण दा मतलब वो जो युद्ध करन दे लई जांदे ने जंग उत्ते, ओहो अपनी तांक जमाई, तांक कहण दा मतलब ओहो अपने जोर दे नाल अपना मकसद पूरा करके आते ने, अपना
जो जो असल दे विच जिस करके वो जाते ने जित के आते ने उस चीज नू। इथों दी विद्या नू वीरो मन दा कुल जहान जो इथों पढ़िया होया है बंदा है उसकी नॉलेज नू उसके ज्ञान नू पूरा जहान सलाम करता है। फिर तारीफ की गई है मेरा हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इस दे हाली इस दे पाली कहने का मतलब पशु चारण वाले जड़े होंगे ने काम करने वाले जड़े मजदूर हैगे ने सब लोग इत्थे दे जड़े हैगे ने वो हक दी वो सच दी कमाई करते ने ठीक है। ते ओहो माड़ियां चीजा तो दूर रहते ने कूड़ तो दूर रहते ने कूड़ यानी कि झूठ तो वो लोग दूर रहते ने। इसका हर एक गबरू गबरू कहने का मतलब नौजवान जड़े मुंडे होंगे ने हर एक मुटियार मुटियार यानी नौजवान कुड़ी जड़ी होंगी है ओहो या मुटियार रकान रकान का मतलब होंगे है जो बहुत सियाणी कुड़ी होंगी है। हर एक बंदा इतने मुटियार कहिए गबरू कहिए देखो जिमें गबरू का मतलब है नौजवान मुंडा मुटियार का मतलब है नौजवान कुड़ी उवे ही बांका का मतलब होंगे है बन ठण के रहन वाला जिहड़ा मुंडा हुंदा है मतलब गबरू बन ठण के रहिंदे ने ते मुटियार रकान यानी वो बहुत सुचज्जी बहुत सियाणी कुड़ी हैगी है ठीक है। ए हुंदा है मतलब फिर सिफत कीती गई है मेरा हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इत्थे शब्दां दे अर्थ भी दित्ते गए ने ते इत्थे अगे सानू कहा गया है कुछ गल्लां जिहड़ियां हैगियां ने जो आपां याद रखनियां ने। तां चलो पढ़दे हां किहड़ियां किहड़ियां गल्लां इत्थे याद करन लई सानू दसिया गई ने। पहली गल साडे देश का ना हिंदुस्तान है इस नू भारत भी कहते हैं। अगला भारत विच कुल 29 नहीं है हुन 28 राज है ने यानी स्टेट्स 28 है ने ते 8 यूनियन टेरिटरीज है ने। ये अपडेटेड है 2023 दे हिसाब दे नाल। अगे भारत दी राजधानी दिल्ली है। भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। इस दे तीन रंग केसरी सफेद ते हरा हन। आगे उड़ा भाग है जबानी अभ्यास करो ते इत्थे कुछ सवाल दिते गए ने। पहला सवाल देशा विदेशा विच हिंदुस्तान की शान केहो जी है। इहदा उत्तर है उच्ची शान हैगी है। दूजा प्रश्न है हिंदुस्तान दे चश्मिया विचों फुटदा पानी केहो जिहा लगता है। उत्तर चांदी वर्गा। तीजा सानू हर नवी सवेर नू की बनना चाहिदा है फुल्ला जही मुस्कान। ते अगे कहा गया है कविता नू लय विच गाओ तुसी कर सकते हो। अगे है गया पाठ अभ्यास होर भी सवाल दिते गए ने। हेठे के प्रश्ना दे उत्तर देन लई सानू कहा गया। जिवें पहला प्रश्न है गया असी हिंदुस्तान दी मिट्टी नू सीस क्यों निवाउंदे हां। सियाणे कहिंदे हन कि अपने देश दी मिट्टी मां समान हुंदी है इस करके इस नू सीस निवाउंदे हां। अगला सानू किस प्रकार दी कमाई करनी चाहिदी है। उत्तर सानू हक हलाल दी कमाई इत्थे ई दी मात्रा आएगी करनी चाहिदी है। अगे चलदे हां इत्थे लिखे गए ने हेठ लिखे शब्दों नू वाकां विच वरतो। चलो शुरू करते हैं इनू भी सॉल्व कर लेंगे हैं। पहला है क्या वर्ड जिहड़ा है परदेस। देखो परदेस का मतलब हुंदा है पराया देश या आप ये कह सकते हैं विदेश की जब गल की जाए वह हो गया परदेस। बहुत सारे पंजाबी लोग इंग्लैंड अमरीका कैनेडा आदि परदेसां विच रहिंदे हन। अगला चांदी एक बहुत मुल्ली चिट्टी चमकीली धात या रूपा मेरे हाथ विच चांदी दा कड़ा है। तीजा विद्या यानी पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज विद्या दे मंदिर हन। चौथा बाग यानी बगीचा पौद्या फलां फुलां नाल शिंगारी थां। असी हर रोज सवेरे सैर करन लई बाग विच जांदे हां। जो जोधे जंग लड़न वाले भारतीय जोधियां ने जंग विच दुश्मनां दे दंद खट्टे कर दित्ते। अगे एदे तो बाद सानू कहा गया है वाक बनाने तो बाद भी कविता विच आए कोई 10 नाम चुनो अते सुंदर करके इत्थे लिखने ने। देखो मैं इत्थे 10 नाम जिहड़े हैगे ने ओह चुन के लिखते ने। तुसी होर जे तुहानू मिलन तां ओह भी तुसी
लिख सकते हो। मैं थानू दस दिनी हाँ भी ये केड़े-केड़े ने नाम, यानी किसी चीज का नाउन नेम। हिंदुस्तान, देश, पर्वत, बर्फा, पंचवा चश्मिया, पानी, मिट्टी, मोतियां, दाने ते लोक। अगे चलते हैं, 17 पूरी करो। एक बाग विच असी हाँ उगे बूटे कई तरह दे, ये तुसी कविता विचो देख सकते हो। एक बाग विच असी हाँ उगे, ये 17 जेड़ियां ने पूरी करके तुसी सेंटेंस ओ आंसर दे सकते हो। उस तो बाद कहा गया है सानू ये 17 पूरियां करन तो बाद अगे की करना है। कविता दे औखे शब्दां दी बोल लिखित करवाई जावे, यानी जिहड़े औखे शब्द ने ओह टीचर बोलेंगे ते तुसी ओह औखे शब्द लिखने ने। मैं कुछ औखे शब्द इत्थे लिखे हुए ने, तुसी अपनी मर्जी नाल कुछ शब्द जिहड़े ने ओह चूज करके लिख सकते हो ते इहनू आंसर कर सकते हो, ठीक है। उस तो बाद इत्थे फोटो बनाई हुई है अपने झंडे दी, तुसी इहनू रंगना हैगा, ठीक रंग दे नाल जरूर भरियो। उस तो बाद अगे हैगा, अपने स्कूल दे मुख अध्यापक या अध्यापिका नूं बीमारी दी छुट्टी लई अर्जी लिखो। हुण देखो, मुख अध्यापक या अध्यापिका नूं चिट्ठी किवें लिखणी है या की तरीका हैगा। सब तो पहला आपां शुरू करदे हां लेफ्ट साइड तो, इत्थे लिखिया सेवा विखे, फिर लिखिया मुख अध्यापक या अध्यापिका जी, सरकारी प्राइमरी स्कूल, जिथे भी थोड़ा स्कूल हैगा ओदी थां दा नां इत्थे लिखना। विशा बीमारी दी छुट्टी लैण संबंधी, विशा लिखना बहुत जरूरी है भी किस गल पक्खों तुसी ये चिट्ठी जिहड़ी हैगी है ओह लिख रहे हो। उस तो बाद श्रीमान या श्रीमती जी, बेनती है कि मैनू कल स्कूल तो घर जाण समय ही तेज बुखार हो गया सी। शाम नू मेरे माता जी ने मैनू डॉक्टर तो दवाई ले दी सी, पर अज भी मैनू थोड़ा बुखार है, इसलिए मैं आज स्कूल विच हाजिर नहीं हो सकता या सकती। कृपा करके मैनू आज जो भी मिति है वो लिखोगे, वो अप्रैल वो साल दी छुट्टी दी जावे। फिर उस तो बाद आप लिखांगे धन्यवाद सहित, मतलब धन्यवाद करांगे अध्यापक दा, ते थले आप जी दा या आप जी दी आज्ञाकारी जो थोड़ा नाम है, रोल नंबर, ठीक है, श्रेणी केड़ी है, इत्थे आ जाएगी मिति यानी डेट। ते सी अज दी क्लास, में उम्मीद करदी हां इस पाठ दे प्रश्न उत्तर थानू समझ आ गए होंगे। जे वीडियो वधिया लगी तां चैनल नू लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। आपां फिर मिलांगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।